देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज और आपके साथ मैं हूं प्रतीक मिश्रा। और अब रुख करते हैं खबरों की। बाराबंकी जिले में आयोजित राष्ट्रीय एकता अभियान कार्यक्रम में आज बतौर मुख्य अतिथि यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जनपद के एक निजी महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे। बाराबंकी जिले में आयोजित राष्ट्रीय एकता अभियान कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जिले के एक निजी महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम पहुंचे, जहां मोदी सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35 से समाप्त करने के ऐतिहासिक फैसले के बाद एक राष्ट्र एक संविधान के तहत जिले में जन जागरण और प्रबुद्ध गोष्ठी के आयोजन में बीजेपी के पदाधिकारियों समेत तमाम प्रबुद्ध जन कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने मंच से संबोधित करते हुए जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35 की हटाए जाने के संबंध में कहा कि इस 70 साल की समस्या का निपटारा हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने मात्र 70 मिनटों में हल कर दिया। देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 को हटाने का तो नाम दिया ही था। कांग्रेस पार्टी ने ही इस धारा में संशोधन करते हुए कश्मीर में दो झंडे लगाने का विधान लागू किया था, पहला कश्मीर का और दूसरा देश का। और उसमें यह भी संशोधन किया गया कि कश्मीर में कोई भी हमारे देश के झंडे का अपमान करेगा तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। मोदी सरकार ने संसद के पहले सत्र में ही जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान को संरक्षण देने वाले संगठनों पर प्रतिबंध लगाया। उन्होंने ये भी कहा कि ये मर्द लोगों की सरकार है, घर में घुसकर मारती है। सरकार ने कश्मीर में दंगे करने वाले नेताओं को नजरबंद किया है, जिस वजह से कश्मीर में धारा 370 ए और 35 ए को हटे अब एक महीने से ज्यादा का समय हो गया, मगर अभी तक कश्मीर में किसी भी तरह के दंगे नहीं हुए। हम लोग सुबह और शाम नारे लगाते थे। एक समय वो भी आया कि जब कांग्रेस के पास में दो दो तीन तीन चार चार बार एब्सोल्यूट मेजोरिटी में बहुमत के साथ काम करने का अवसर मिला और उन्होंने कोई प्रयत्न नहीं किया, बल्कि और धारा पे और धारा बढ़ा दी, 35 ए साथ में जोड़ दिया। और तो और ये हिंदुस्तान में रहो, हिंदुस्तान की खाओ, हिंदुस्तान की पहनो, हिंदुस्तान का पैसा जो मिले उस पैसे को तीन परिवारों में बंट जाता था। तीन परिवार कौन थे? एक था महबूबा मुफ्ती का परिवार, दूसरा था ये आपके फारूक अब्दुल्ला का परिवार, और तीसरा एक गुलाम नबी आजाद का परिवार। सारा तीनों मिलके पैसा बांट लेते थे। और तीनों की विदेशों में अगर देखो, सबसे बड़े सहायता ही कोई देश ऐसा रहा हो जहां पे यूरोपियन की कोठियां ना रही हो। ये आपस में पैसा बांट लेते थे। और जब हिंदुस्तान की बात आती थी तो 26 जनवरी 15 अगस्त को झंडे लहराए जाते थे हिंदुस्तान के लाल किले पर, और वहां लाल चौक पे क्या होता था, वो कभी पाकिस्तान का झंडा फहराते थे, कभी हिंदुस्तान के झंडे को पैरों के नीचे कुचल कर, और 26 जनवरी 15 अगस्त को ये आगाज देते थे कि जम्मू कश्मीर अब हिंदुस्तान का अंग नहीं है, हम इसको अंग नहीं मानते, ये नारा लगाते थे। और पुलिस क्यों नहीं पकड़ती थी? क्योंकि संविधान में लिख दिया गया, एक्ट में लिख दिया गया कि जम्मू कश्मीर में जो दो झंडे रहेंगे और राष्ट्रध्वज जो होगा उसका अपमान जो है दंडनीय अपराध नहीं होगा। यानी अगर उसको पैरों से रौंद डालोगे तब भी दंडनीय अपराध नहीं माना जाएगा, उसको आप जला दोगे तब भी दंडनीय अपराध नहीं माना जाएगा। ये 35 ए में और आपके जो आपकी 370 है उसके अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया। ये नेहरू जी के समय अंबेडकर जी ने इसको करने से मना कर दिया। अंबेडकर जी ने साफ साफ कह दिया था कि हम 370 के पक्ष में नहीं है। तब उन्होंने क्या किया कि 370 के पक्ष में नहीं है तो उन्होंने उसके उल्टा किया कि 370 में ना रहने के लिए अंबेडकर जी ने लिखने से मना कर दिया, तब गोपाल स्वामी अयंगर को बुलाया गया। बांदा में बाढ़ के हालात बिगड़ते ही चले जा रहे हैं। यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रहा है, तो केन नदी भी खतरे के निशान पर जा चुकी है, जिसके चलते जिले के पैलानी चिल्ला बेंदा के करीब सैकड़ों गाँव में पानी भरता जा रहा है। प्रशासन की बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। अभी तक जिले में एनडीआरएफ टीम आपदा प्रबंधन का कोई भी इंतजाम नहीं किया। ग्रामीण लगातार सरकारी मदद की अपेक्षा के चलते भुखमरी की कगार पर पहुंच रहे हैं। बाढ़ के हालात बिगड़ते ही चले जा रहे हैं। यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रहा है, तो केन नदी भी खतरे के निशान तक पहुंच चुकी है, जिसके चलते जिले के पैलानी चिल्ला बेंदा के करीब सैकड़ों गांव में पानी भरता जा रहा है। वहीं प्रशासन की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। अभी तक जिले में एनडीआरएफ टीम आपदा प्रबंधन का कोई भी इंतजाम नहीं किया गया। ग्रामीण लगातार सरकारी मदद की उपेक्षा के चलते भुखमरी की कगार पर पहुंच रहे हैं। यह नज़ारा है पैलानी तहसील के शंकरपुरवा गांव का, जहां करीब 70 परिवार रहते हैं। इस गांव को चारों तरफ से केन नदी के पानी ने
घेर लिया है और अब पानी लोगों के घरों में घुस रहा है। लिहाजा डरे हुए लोग ऊंचे टीलों पर पन्नी के सहारे तंबू बनाकर रह रहे हैं। यहाँ अभी तक किसी भी तरह की सरकारी मदद नहीं पहुंची। इसी तरह पैलानी तहसील के सिंगन कला कोर गवा समेत दर्जन भर गाँव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। लोगों के पास जो राशन था वो भी खत्म हो चुका है, लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई मदद नहीं पहुंची। बांदा जिला प्रशासन ने अभी तक NDRF की टीम को भी बुलाने की जहमत नहीं उठाई। यमुना का जलस्तर अभी आगे 24 घंटे भी बढ़ने के आसार हैं, जिसके चलते बांदा जिले के बड़े इलाके चिल्ला पैलानी खपटिया कला से जुड़े करीब 200 गांव में बाढ़ का संकट मंडरा रहा है। लगातार यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है, जिसकी अब वजह से अभी तक राहत मिलने के कोई भी आसार नहीं है। जिला प्रशासन के अधिकारी महज घूमकर खाना पूर्ति करते नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि 3 दिन से कोई 2 दिन से फंसा हुआ, लेकिन अभी तक उनके पास कोई मदद नहीं पहुंची। ये नज़ारा है पैलानी तहसील के शंकरपुरवा गांव का, जहां पर एक गर्भवती महिला प्रसव से तड़प रही है, लेकिन इसके पास कोई मदद नहीं। हमारी टीम ने खबर कवरेज के दौरान अपनी ही नावों से इसे नदी पार कराया और अस्पताल तक पहुंचाया। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि प्रशासन की मदद कहां तक लोगों तक पहुंच रही है। अब क्या करें सर, क्या हुआ, पूरा घर डूब गया तो मजबूरी की तरह भागना पड़ेगा सर। अभी तो अभी कल से है इधर, हमेशा तो बहुत बुरा है सर। जैसे ये मान लो नदी, ये मान लो आगे घर गिर गए, मान लो घर गिरने की उम्मीद आ गई, मान तो इधर भगना पड़ा। नहीं सर आया, कोई मदद नहीं, कोई खाने पीने की व्यवस्था नहीं सर, और कल से खाने नहीं खाए। यहाँ पे गांव चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है और जो है आने जाने में मार्केट असुविधा होती है। प्रशासन क्या कर रही है, यही है जो नाव लगवा दी है, बस हो गया। और क्या सुविधा है प्रशासन की, यहाँ पे हो गए 15 दिन हो रहे, करीब 20 दिन। कितना पानी होगा यहाँ गहरा? बांदा से संवाददाता विष्णु सिंह की रिपोर्ट, यूपी क्राइम न्यूज। गोवर्धन डीग रोड स्थित गठौली के समीप डीग की तरफ से आ रहे एक बाइक सवार ने बकरियों को बचाने के चक्कर में बकरी बास को टक्कर मार दी, जिससे दोनों लोग गंभीर रूप से घायल। मथुरा में गोवर्धन डिंग रोड स्थित गांठोली के पास डिंग की तरफ से आ रहे एक बाइक सवार ने बकरियों को बचाने के चक्कर में बकरी बास को टक्कर मार दी, जिससे दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। शुक्रवार देर शाम को गोवर्धन डिंग रोड पर गांठोली के समीप डिंग की ओर से आ रहे एक बाइक सवार ने बकरियों को बचाने के चक्कर में बकरीवास को ही टक्कर मार दी, जिससे बकरीवास समेत दोनों ही गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना के बाद पहुंची 108 एम्बुलेंस के द्वारा दोनों घायलों को गोवर्धन के सामुदायिक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जिसकी शिनाख्त बाइक सवार धर्मेंद्र पहलवान पुत्र रघुनाथ 45 वर्ष निवासी बहस थाना डिंग राजस्थान और बकरीवास अमर सिंह पुत्र पदम सिंह लगभग 55 वर्ष के रूप में हुई। वहीं दोनों घायलों को देख सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर रूपेंद्र सिंह और उनकी टीम में घायलों को आनन फानन में प्राथमिक उपचार दिया गया, लेकिन वहीं गंभीर हालत होने के चलते घायलों को मथुरा जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। बताए क्या घटना हुई है? क्या हुई है, भेड़ चला रहा था एक गांठौली का पेटालमो से, गाड़ी आ रही थी भैजमाई से, उसमें उसमें ठोक दिया। कौन सी गाड़ी थी? गाड़ी मोटरसाइकिल थी। ये मोटरसाइकिल वाला कहाँ का? भेज का। क्या नाम है उसका? धर्मेंद्र। ये घटना कैसे हुई है? घटना कैसे हुई है, मोटरसाइकिल आ रही थी, बकरी आ गई थी, उसने मोड़ा, उसमें ठोक दिया। किसकी हालत? गंभीर हालत है किसी की? हाँ। किसकी? धर्मेंद्र की। दोनों की गंभीर हालत। क्या हुआ? हाँ, अभी बताया कि यहाँ पे गांठोली के पास एक बाइक से एक्सीडेंट हो गया है, कोई भेड़ चरा रहा था उसके एक्सीडेंट कर दिया, तो दोनों ही गंभीर हालत में यहाँ पर आए, उनका प्राथमिक उपचार करके उनको जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है, जिसमें धर्मेंद्र जी और अमर सिंह ये दो चोटिल हैं, उनको रेफर किया। मथुरा से संवाददाता खन्ना सैनी की रिपोर्ट, यूपी क्राइम न्यूज। आज बांदा में भारतीय शक्ति चेतन पार्टी के सदस्यों ने जिला अधिकारी कार्यालय में प्रदर्शन कर नारेबाजी की। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के सदस्यों ने बैनर तले DM के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री को ज्ञापन संबोधित किया। बांदा में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के सदस्यों ने जिलाधिकारी कार्यालय में प्रदर्शन कर नारेबाजी की। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के सदस्यों ने बैनर तले DM के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन संबोधित किया। कलेक्ट्रेट परिसर में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी प्रदेश के सदस्यों ने जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री से ज्ञापन के माध्यम से मांग की। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के गुलाबचंद्र कुशवाह ने बताया कि व्यवस्था परिवर्तन के इसी कड़ी में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा देश में बढ़ते हादसों को रोकने की दिशा में 10 गुना बढ़ाए गए आर्थिक दंड और कड़े कानून व्यवस्थाओं के साथ साथ मोटर व्हीकल एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2019 के देश में लागू किया गया। हम भारत सरकार द्वारा दी जा रही व्यवस्था में पूरी आस्था और विश्वास रखते हैं, लेकिन देश की मौजूदा अर्थव्यवस्था की बेहतरीन और 130 करोड़ भारतीयों के हितों को ध्यान में रखते हुए मोटर व्हीकल एक्ट 2019 जनहित और राष्ट्रहित
न्याय हित में दोबारा विचार करने और तत्काल वापस किए जाने का आग्रह इस माध्यम के ध्यान आकर्षित करते हुए किया। हमारी जनहित में जारी संज्ञान लेते हुए सहमति प्रदान करें और सड़कों को पुनः गड्ढे मुक्त करवाएं और मोटर व्हीकल एक्ट 2019 को वापस लेने की हमारी मांग पर जल्द से जल्द सहमति प्रदान की जाए। भारतीय सत्य चेतना पार्टी बांदा के जिला अध्यक्ष हूँ। सही भाई भैया, ये इसमें जो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जो समाज में मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 10 गुना धनराशि जो बढ़ाई गई है आम पब्लिक के ऊपर, इसी माध्यम से ज्ञापन बनाकर हम मतलब माननीय मोदी जी के नाम पर देने आए हैं। ये मोदी जी के माध्यम से ये जो नियम लागू किए गए हैं, कहते हैं ये तो विदेश के नियम हैं। क्या विदेशों जैसी व्यवस्थाएं भारत देश में हैं? खाली महानगरों को छोड़ करके क्या किसी तहसीलों में हर ज़िले में क्या मतलब अंडर ब्रिज, ओवर ब्रिज और ट्रैफिक सिग्नल की व्यवस्थाएँ हैं? क्या गड्ढा मुक्त रोडें हैं? जगह जगह मतलब जो है लाइटों की व्यवस्था नहीं है? जगह जगह तो आवारा पशु बैठे रहते हैं, इससे एक्सीडेंट होते हैं। चालान के नाम पर, लाइसेंस के नाम पर, मोटर हेलमेट के नाम पर मतलब 10 गुना राशि बढ़ाई गई शराब के नाम पर। तो हमारा मोदी जी से यही निवेदन है कि मतलब पुनः इस मतलब व्यवस्था पर विचार कीजिए और ये नियम वापस कीजिए। इससे आम जनमानस परेशान है, क्योंकि देश की आधी आबादी बाढ़ से परेशान है। बाढ़ पीड़ितों से वो न्याय की आस लगा रहे हैं, भुखमरी की मतलब कगार पर वो लोग जीवन जी रहे हैं। ऐसी भी व्यवस्था में अगर ये नियम देश पर लागू कर दिया गया तो कहीं ना कहीं मतलब जो है आर्थिक व्यवस्था डगमगा जाएंगे लोगों की। आप बांदा से संवाददाता विष्णु सिंह की रिपोर्ट, यूपी क्राइम न्यूज। और अब इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत, देखते रहिए यूपी क्राइम न्यूज। आप देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग।